बहुत ही स्पेशल कवरेज में, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, सब कुछ जो एयरपोर्ट पर हुआ है थोड़ी देर पहले, जो हमने आपको लाइव और एक्सक्लूसिव दिखाया है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में होटल अशोक में इन्हीं खिलाड़ियों का, इन्हीं चैंपियंस का स्वागत समारोह होना है। ये देखिए आप, ये वो चैंपियन है जो जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, लवलीना और उनके कोचेस, ये देखिए आप कैसे आप भव्य स्वागत, कैसा इतिहास लिखा गया है। इतिहास टोक्यो में भी लिखा गया और स्वागत का इतिहास यहाँ पर दिल्ली में लिखा गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिखा गया है। ऐसा भव्य स्वागत शायद ही आपने देखा हो। ये होटल अशोका का मेन पोर्च है। आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ होटल के स्टाफ और दूसरे लोग खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि जब वो प्लेयर पहुँचेंगे, जब वो हमारे खिलाड़ी, हमारे हीरोज पहुँचेंगे तो उनको यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। सर क्या किस चीज़ का इंतज़ार चल रहा है? सर इंडिया टीम का इंतज़ार चल रहा है बहुत बेसब्री से। हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारी इंडिया टीम ने हमारे लिए गोल्ड मेडल और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये होटल अशोका के कर्मचारी हैं आप लोग? होटल अशोका से? हाँ जी सर, होटल अशोका कर्मचारी हैं, लेकिन ये कर्मचारी के साथ साथ भारत के नागरिक भी हैं और इनके जैसे हर भारतवासी 135 करोड़ लोग आज सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पहुँचेंगे, वो प्लेयर्स पहुँचेंगे और उनका उनका स्वागत करेंगे। हमें लगता है आप लोग किचन छोड़कर आज खिलाड़ियों के लिए हैं। काम ही ऐसा हुआ है, हमें गोल्ड मिला है, सब गोल्ड मिला है तो इसलिए हम लोग आए हुए हैं। देखिए ये होटल अशोका के किचन स्टाफ है, मुझे लगता है सारे लोग शेफ्स हैं और सारे सिर्फ यहाँ पे आज लॉबी में खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि जब वो हमारे हीरोज यहाँ पहुँचेंगे होटल अशोका में तो उनको उनका चीयर किया जाएगा, उनका उनका सम्मान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा और उसी लिए यहाँ पे दोनों तरफ आप देख रहे हैं लोग सिर्फ इसी इंतज़ार में हैं कि कब वो हीरोज पहुँचें और उनका स्वागत करें। अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको, अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है कि कैसे हमारा जो देश है, हमारे देश का 135 करोड़ लोग, हर आदमी गर्व महसूस कर रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज आपकी इस खुशी में हमारी भी खुशी है। आपको थर्ड फ्लोर ले चलते हैं जहाँ पे जिस कन्वेंशन हॉल में ये सम्मान समारोह रखा गया है कि जब हमारे सारे प्लेयर्स टोक्यो से दिल्ली लैंड करेंगे और दिल्ली से सीधा इस होटल अशोका के में पहुँचेंगे तो उनका भव्य होटल अशोका में क्या इंतज़ाम है, कैसा स्वागत करने की तैयारी है वहां पर और होटल स्टाफ का कैसा उत्साह है वो अभी आप देख रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सब कुछ ऐतिहासिक था। इतिहास सिर्फ टोक्यो में नहीं बना, इतिहास सिर्फ टोक्यो के मैदान में नहीं बना, चाहे वो हॉकी का हो या फिर बॉक्सिंग का रिंग हो या फिर रेसलिंग की रिंग हो, इतिहास यहाँ पर स्वागत का भी बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं होटल अशोक से। सीधा होटल अशोक चलते हैं जहां पर इन चैंपियन खिलाड़ियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है, ऐतिहासिक तैयारी है खेल मंत्रालय के द्वारा और वहां पर मौजूद रहेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अविनाश तिवारी उसी होटल अशोक के सामने से इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अविनाश, मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में वहां पर वो चैंपियन खिलाड़ी पहुंच जाएंगे जिनका वहां पर स्वागत होना है, क्या हलचल है वहां पर? देखिए राजेंद्र, बिल्कुल किसी भी क्षण खिलाड़ी यहाँ पे होटल अशोक में पहुँच सकते हैं और उसके पहले तमाम सारी तैयारियाँ यहाँ पे कर ली गई। एक बार आपको गेट दिखाना चाहेंगे, वहाँ पे एक बड़ा पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है वेलकम होम टू इंडिया, यानी कि जो भारत ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है टोक्यो ओलंपिक में उसका कहीं ना कहीं असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और तमाम सारे जो उत्साहकर्मी है उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे तमाम सारे लोग पहुँच गए हैं। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पे जो सड़कों पर है, तमाम सारे लोग तिरंगा थाम कर हाथों में आ गए हैं क्योंकि कुछ ही क्षण के बाद जो बस है खिलाड़ियों को लेकर आ रही है एयरपोर्ट से होटल अशोका के लिए वो किसी भी क्षण यहाँ पे
जा सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक इस बार ओलंपिक रहा है भारत के लिए। 7 मेडल भारत ने जीते हैं। 41 सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अगर बात करें तो महिला हॉकी टीम ने 4th स्थान अर्जित किया है। अदिति अशोक गोल्फ में, जो कि गोल्फ को कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि भारत गोल्फ में इतना बेहतर कर सकता है, अदिति अशोक भी कुछ पॉइंट से चूक गई, नहीं तो वो भी मेडल जरूर जीतती, लेकिन वो भी 4th स्थान पर रहे। और जिस तरीके से 7 मेडल आए हैं इस बार, अगर बात करें तो 2008 के बाद पहली बार भारत को स्वर्ण पदक मिला है। 2008 में आखिरी स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, और इस बार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में जीता है। तो उसका कहीं ना कहीं असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक में अब तक भारतीय टीम का। 7 मेडल आना वाकई में देश में कहीं ना कहीं जो तमाम सारे लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो आगे आकर खेलना चाहते हैं, उत्साहवर्धन उनका हुआ है और वो आगे जरूर निकल कर आना चाहेंगे। जैवलिन जो कि एक छिपा हुआ नाम हुआ करता था, बहुत कम लोग इसमें जाने की रुचि रखते थे, लेकिन जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जाहिर तौर से बात है कि अब इसमें खिलाड़ियों की रुचि बढ़ेगी और भी तमाम तरह खिलाड़ी निकल कर आएंगे, जैवलिन खेलेंगे। और जिस तरीके से अगर बात करें तो हरियाणा का इस बार प्रदर्शन रहा ओलंपिक में, 3 पदक अगर बात करें तो हरियाणा राज्य को गया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से आते हैं, रवि दहिया हरियाणा से आते हैं, बजरंग पुनिया हरियाणा से आते हैं। तीनों खिलाड़ियों को वहां के मुख्यमंत्री ने भी फैसिलिटेट करने का घोषणा की है। 13 तारीख को हरियाणा में जितने भी खिलाड़ी हरियाणा से निकल कर गए थे ओलंपिक में भाग लेने, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से भी 10 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए गए थे, और इनमें से अगर बात करें तो 2 खिलाड़ी हॉकी में रहे हैं, और हॉकी जिस तरीके से कांस्य पदक जीती 41 साल बाद, जाहिर तौर से बात है उत्तर प्रदेश सरकार भी उनको फैसिलिटेट करेगी। उत्तराखंड सरकार वंदना कटारिया को पहले ही अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान कर चुकी है। वंदना कटारिया भी इस बार वुमेन्स हॉकी में खिलाड़ी के तौर पर खेल रही थी, और वुमेन्स हॉकी ने जिस तरीके से कारनामा किया है बेहतर, और पहली बार सेमीफाइनल खेला और 4th स्थान अर्जित किया। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, तमाम तरह लोगों को तिरंगा भी वितरित किया जा रहा है, कि जिस तरीके से अभी कुछ ही क्षणों के बाद भारतीय टीम बस के द्वारा यहाँ से आएगी। जितने भी खिलाड़ी टोक्यो में प्रतिभाग करने गए थे वो तमाम खिलाड़ी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि होटल अशोका का जो स्टाफ है वो बाहर निकल आया है, और तमाम तरह लोगों को यहाँ पे चीयर करने के लिए तिरंगा का वितरण किया जा रहा है। और भी तमाम तरह जो लोग हैं उनका धीरे धीरे यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि तमाम तरह जो लोग हैं वो खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए होटल अशोका की ओर आ रहे हैं। और खुद अगर बात करें तो लगभग 6:30 बजे का समय दिया गया है, यहाँ पे होटल अशोका के अंदर भी तमाम तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। आप गेट की तस्वीरें यहाँ पे देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे तैनात हो गई हैं। गेट में बड़ा बैनर लगा दिया गया है, वेलकम होम टीम इंडिया लिखा गया है उस बैनर में, वो बैनर लगा दिया गया यहाँ पे। और तमाम तरह जो CRPF के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको सुरक्षा में लगा दिया गया। साई के 2-2 अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कि जैसे ही तमाम तरह जो खिलाड़ी है वो एंटर करेंगे तो उनको किस तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के तहत ऊपर लेकर जाना है। होटल अशोका की अगर बात करें तो 3rd फ्लोर में तमाम तरह जो कार्यक्रम रखा गया उसका आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर पहले से तमाम तरह जो मीडिया कर्मी हैं अब उनको ले जाया गया है, और वहाँ पर बाकायदा कतारबद्ध करके मीडिया की पंक्ति में उनको बैठाया गया है। जो तमाम तरह और विशिष्ट अतिथिगण आने वाले, उनमें अगर खासतौर से बात करें तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कानून मंत्री जो वर्तमान में हैं किरेन रिजिजू, वो पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, ओलंपिक में जब टीम जा रही थी तो उन्हीं की देख रेख में पूरी तैयारी हुई थी ओलंपिक टीम की, तो वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पूरी ओलंपिक टीम को तैयार करके भारत से टोक्यो के लिए रवाना किया था। बाद में जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो उनको कानून मंत्री बनाया गया जरूर, लेकिन वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी भी मेहनत रही है कि भारतीय टीम जिस तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन की है, उनके खिलाड़ियों की तैयारी हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे तमाम सारी अन्य सुविधाएं होती है, उसका उन्होंने खासा ख्याल रखा। और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे पहले से तमाम तरह कार्यक्रमों को यहाँ पे उन्होंने तैयारियां की हैं। और जिस तरीके से अगर राजेंद्र आप देखें, 2000 से भारतीय टीम का इतिहास जो रहा है अब तक के ओलंपिक में, 2000 से अगर बात करें तो 6 ओलंपिक हो चुके हैं, और भारत ने मात्र अगर बात करें तो 20 पदक जीते हैं, और उनमें भी इस बार सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 7 ओलंपिक पदकों का जो प्रदर्शन रहा है वो भारत ने अब तक नहीं किया है। इसके पहले अगर बात करें तो लंदन ओलंपिक जो कि 2012 में हुआ था, वहाँ पे 6 पदक जरूर भारत ने जीते थे, लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो लगातार कयास लगा जा रहा था भारतीय टीम बेहतर करेगी, लेकिन 2012 के बाद जब रियो में गई भारतीय टीम तो केवल 2 पदक आए थे। PV सिंधु ने उस वक्त सिल्वर जीता था, और साक्षी मलिक जो कि हरियाणा से आती है उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, लेकिन इसके अलावा और कोई खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब नहीं रहता। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन लिया था, और जो 2016 की रियो ओलंपिक में एक प्रकार से खराब प्रदर्शन रहा है, उसके बाद उन्होंने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया था कि जो ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की तैयारी करवाएगी, और उसी के अनुसार नतीजा रहा है कि इस बार 7 पदक भारतीय टीम ने हासिल किए। और इनमें अगर हम बात करें तो धन्यवाद देना चाहिए उड़ीसा सरकार का भी, जिन्होंने हॉकी इंडिया को एक ऐसे मुश्किल वक्त में स्पॉन्सर किया जब काफी लोग स्पॉन्सर करने से हॉकी इंडिया को कतरा रहे थे, उड़ीसा सरकार आगे निकल कर आए, उसने स्पॉन्सर किया, और उसका असर कहीं ना कहीं इस बार भारतीय टीम के खेल को देखने को मिला, कि दोनों चाहे पुरुष महिला की टीम, पुरुष टीम की बात करें, महिला हॉकी टीम की बात करें, दोनों
हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद कांस्य पदक जीता, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक धन्यवाद जाता है कि उड़ीसा सरकार ने इतनी जो है लगन के साथ खिलाड़ियों की तैयारी करवाई। तो इसी के साथ साथ अगर बात करें तो तमाम तरह वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने बलबूते से भारतीय टीम के लिए मेडल जीता है, भारत के लिए मेडल जीता है और भारत को गौरवान्वित किया है, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है ओलंपिक में कभी भी इतने मेडल जीतने का नहीं रहा है। 7 मेडल इस बार भारत ने जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि खिलाड़ियों के अंदर अब वो जज्बा आया है कि ओलंपिक में कुछ कर दिखाना है, ओलंपिक में जो है बेहतर करना है, भारत के लिए मेडल लाना है। और इसका एक जीता जागता उड़ाला नीरज चोपड़ा है जो कि 2019 में चोटिल भी है, उसके बाद चोट से सर्वाइव करते हुए खुद को अपने आप को फिट किया और ओलंपिक में जब प्रवेश किया तो सोना जो है जीत कर लाए और देश के लिए इतिहास रच दिया कि जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई है भारत कभी भी एथलीट में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, तो इस बार वो गोल्ड मेडल जीते हैं। आप देखिए अशोका रोड के दोनों ओर अगर हम बात करें तो सड़कों में अब ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जा रही है, यानी कि ये संदेश है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम है जो बसों से एयरपोर्ट से निकली है वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। जो पूरा स्टाफ है अगर बात करें सुरक्षा कर्मियों का वो यहाँ पे सड़कों पे आ गया और पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है उसको ठीक कर रहा है, यानी कि उनको मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का आगमन है वो किसी भी क्षण हो सकता है। और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक तरीके की जा रही है कि जिससे कि जो तमाम सारे खिलाड़ी हैं तो उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, क्योंकि खिलाड़ियों ने जिस तरीके से इस बार प्रदर्शन किया है, खासतौर से अगर उसमें बात करें तो हॉकी इंडिया ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जो यूनिटी दिखाई है टीम ने, जो खेल दिखाया है टीम ने, उससे हर कोई जो है प्रभावित हुआ है। और जो हॉकी का एक गौरव रहा है 1980 तक कि भारतीय टीम जब भी कभी ओलंपिक में खेलने जाती थी तो सभी कोई कहता था कि कुछ भी हो जाए हॉकी इंडिया जरूर मेडल जीत के लाएगी, उसको कहीं ना कहीं पुनर्जीवित किया। और हॉकी इसीलिए शायद देश का राष्ट्रीय खेल भी है कि हॉकी ने इतने सारे मेडल जीते हैं। अगर आप विश्व पटल पर देखें तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ही है, 12 मेडल हॉकी इंडिया ने जीते हैं अब तक के इतिहास में ओलंपिक में, उसके बाद 11 मेडल दूसरी देशों ने जीता है। तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीतने का अगर कारनामा किसी ने किया तो हॉकी इंडिया ने किया है, और शायद यही कारण है कि इस बार हॉकी टीम जब मेडल जीती तो पूरा देश गौरवान्वित हुआ, पूरा देश प्रफुल्लित हुआ। अविनाश एक बार बताइए दर्शकों को, बिल्कुल आपने ठीक कहा, छोटे छोटे राज्य, बिल्कुल 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 अविनाश आप ठीक कह रहे हैं कि हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते अब तक इतिहास में, लेकिन एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है वो अद्भुत था, और जैसा उनका स्वागत हुआ है अविनाश वो भी ऐतिहासिक था, वहां पर खेल ऐतिहासिक था, यहां दिल्ली में स्वागत ऐतिहासिक था। और अब हम जो तस्वीरें देख रहे हैं यहां भी जबरदस्त अभूतपूर्व स्वागत की तैयारी है होटल अशोक में। हमारे दर्शकों को अविनाश ये बताइए कि क्या सारी ओलंपिक टीम का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन हुआ है होना है, या हॉकी टीम और बाकी के जो 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है सिर्फ उनका स्वागत और अभिनंदन होना है? जी देखिए अगर बात करें राजेंद्र तो दो तरीके से यहाँ पे आज सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, एक जो वो पदक जीत कर आए हैं खिलाड़ी उनका स्वागत सम्मान आयोजित किया जा रहा है, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, और दूसरी जो पूरा ओलंपिक दल गया था उनका भी यहाँ पे स्वागत सम्मान किया जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पे स्वागत सम्मान का आयोजन रखा गया होटल अशोका के अंदर। खासतौर से अगर बात करें तो जो 6 मेडल भारत के पास आए हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में और 1 मेडल आया है टीम स्पर्धा में, तो 7 मेडल कुल आए हैं। तो हॉकी टीम के साथ साथ जो 6 खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद फिर जो ओलंपिक में दल गया था, चूंकि ओलंपिक का समापन कल हुआ उसके बाद तमाम तरह जो भारतीय दल है वो आज वापस आया इकट्ठा, उनमें हालांकि कई सारे खिलाड़ी पहले ही वापस आ चुके थे भारत, लेकिन आज जो इकट्ठा दल वापस आया है उसका भी सम्मान किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय खेलों में जो इस बार ओलंपिक में तमाम सारे दल के खिलाड़ी गए थे, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा दल था वो इस बार का ही था, 126 खिलाड़ी लगभग इस बार गए थे टोक्यो ओलंपिक में, और एक जो है भारत की जो उम्मीद जगी थी तमाम सारे खेलों में उनमें कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वुमेन्स हॉकी टीम की बात करें, इसके अलावा अगर बात करें डिस्कस थ्रो में जिस तरीके से पंजाब के खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया, अदिति अशोक जिन्होंने गोल्ड में बेहतर प्रदर्शन किया, इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी खेल रहे हैं जहां भारत काफी कम अंतरों से पिछड़ा है और वहां पे कहीं ना कहीं बेहतर खेल देखने को मिला है। तो इसलिए तमाम सारे खिलाड़ियों को जो यहां पे फैसिलिटेट किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान भी किया कि 15 अगस्त को जितने लोग भी ओलंपिक में खेलने के लिए भारत से गए थे लोगों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर लाल किले पर बुलाया गया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम सारे खिलाड़ियों का नाम लेंगे, उन तमाम सारे खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन करेंगे और इसके साथ साथ उन खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से रुचि ले रहे हैं भारत के तमाम तरह के, बिल्कुल 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 अविनाश इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मीडिया का जमावड़ा है जो तमाम तरह जी 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 जमावड़ा है यहाँ पे अब बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल 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 हलचल तेज हो गई है, इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त ये खिलाड़ी, ये चैंपियन खिलाड़ी होटल अशोका के सामने पहुंच जाएंगे और फिर होटल अशोक के भीतर उनका स्वागत समारोह शुरू।
होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, हम आगे भी आपके पास आएंगे, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त का अपडेट ये है कि होटल अशोका के बाहर जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको रोक दिया गया है, सुरक्षा बलों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है और जो बाहर होटल का स्टाफ खड़ा है सबके हाथ में छोटे छोटे तिरंगे झंडे हैं ताकि वो स्वागत कर सकें चैंपियन खिलाड़ियों का, और तैयारी पूरी है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर और इन बड़ी तस्वीरों पर लगातार हम बने हुए। तो खिलाड़ी बस पहुँचने वाले हैं होटल अशोक पर, वहाँ पर तैयारी पूरी है, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, ओलंपिक के चैंपियंस का सम्मान करने की तैयारी है होटल अशोक में। देखिए आप वो तस्वीर भी लाइव है आपकी स्क्रीन पर, इसी तरीके से इसी मंच पर इसी हॉल में सम्मान होना है ओलंपिक के चैंपियंस का भारत के। और देखिए आप दूसरी तस्वीर, कैसे भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर, और उसके बाद कैसे वो बाहर निकले गाड़ी में सवार होकर। ये देखिए बजरंग पुनिया एयरपोर्ट के बाहर कैसे उनका स्वागत हुआ, नीरज चोपड़ा की आप तस्वीर देख लीजिए जब वो गाड़ी में सवार हुए और होटल अशोक की ओर निकले, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। जबरदस्त स्वागत इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया है उत्साहित लोगों ने, खेल प्रेमियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, फूलों की वर्षा की इन खिलाड़ियों पर, कई लोगों ने नोटों की माला पहना दी, खिलाड़ियों को कंधे पर उठा लिया, और रवि दहिया बहुत वहां पर असहज भी हो गए थे लोगों का जोश देकर उत्साह देकर। नीरज चोपड़ा की आप तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर है, नीरज चोपड़ा की आप तस्वीर देख रहे हैं होटल अशोक में, नीरज चोपड़ा भारत के गोल्ड मेडलिस्ट, ये देखिए आप तस्वीर लाइव होटल अशोक से, ये सीधी तस्वीर, होटल का स्टाफ गदगद है, अभिभूत है, सेल्फी ले रहा है उनके साथ, ये मौका गंवाना नहीं चाहता होटल का स्टाफ, बड़ी संख्या में होटल का स्टाफ सेल्फी ले रहा है, उनके हाथ में छोटे छोटे तिरंगे झंडे हैं, ये देखिए कैसे स्वागत हो रहा है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल भारत को उन्होंने ओलंपिक में दिलवाया, और बिल्कुल ठीक बात, एथलेटिक्स में 200 देश कॉम्पिटिट करते हैं, सबसे ज्यादा अगर प्रतियोगिता कहीं पर है, सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती अगर कहीं होती है तो एथलेटिक्स में होती है, और उसमें मेडल जीतना और पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेना, यह सब कुछ गोल्डन है, यह सब कुछ गोल्डन हिस्ट्री है, यह सब सुनहरा इतिहास है भारत का, ये भारतीय खेल का वो सुनहरा पन्ना लिखा हुआ देख रहे हैं आप। ये देखिए आप नीरज चोपड़ा, वो शान भारत की जो होटल अशोक पहुंच गए हैं, मीडिया के कैमरे उनको कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी अपनी अपने अपने मोबाइल कैमरों में लोग उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं, उनको मालूम है ये ऐतिहासिक है, उनको मालूम है वो इन ऐतिहासिक पलों के गवाह हैं, इसके साक्षी हैं, बल्कि इसका हिस्सा भी हैं। होटल अशोक की तस्वीरें लाइव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, एक्स्टेटिक माहौल वहां पर, जबरदस्त उत्साह, तिरंगे झंडे होटल स्टाफ के हाथों में छोटे छोटे तिरंगे झंडे उसको लहराते हुए अपना उत्साह दिखाते हुए, और कैमरे में वो खुद भी कैद होना चाहते हैं वो लोग जो कि वहां पर मौजूद हैं, होटल के स्टाफ के हैं, उस होटल का स्टाफ होना आज उनके लिए बड़े गौरव की बात है, होटल अशोका का स्टाफ हो जाना इन लोगों के लिए बड़े गौरव की बात होगी, क्योंकि इस होटल में स्वागत हो रहा है इन खिलाड़ियों का भारत सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर खुद इस सम्मान समारोह में उपस्थित होंगे, इसके अलावा साई के अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि वो इन चैंपियन खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं आप, होटल पहुंच गए हैं वो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर, चेहरे पर खुशी है, संतोष है, और जब बाहर निकले वो एबीपी गंगा से, उन्होंने बातचीत में कहा कि भारत के तमाम एथलेटिक खिलाड़ियों का ऐसे ही स्वागत होना चाहिए, उन सबको बधाई दी जानी चाहिए। ये तस्वीरें ऐतिहासिक, लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट का दरवाजा बंद,